से फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज क्लास नंबर फर्स्ट है, इससे पता चल जाता है कि आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। पहले उस चैप्टर का नाम था जर्नल एंड लेजर, अब उसको ब्रेक कर दिया, चैप्टर नंबर 9 एक अलग से बना दिया जिसका नाम रखा लेजर। चलिए बात करते हैं कि यह प्रोसेस में है क्या। देखो चैप्टर नंबर 1 में हमने अकाउंटिंग प्रोसेस बतलाया था, आपको याद है? इस अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने आपको बताया था कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सभी को हम रिकॉर्ड करते हैं। कहां कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में, फिर सब्सिडियरी बुक, जो अभी सिखाया ही नहीं मैंने आपको। तो आज वाली क्लास में हम लोग लेजर्स के ऊपर बात करने वाले हैं और लेजर्स पोस्टिंग सीखेंगे कि जर्नल में जो ट्रांजेक्शन होती है, जैसे जर्नल के ट्रांजेक्शन को लेजर में पोस्ट करते हैं, वैसे ही ये जो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, ये जो अदर बुक है, इसको भी सेम लेजर में ट्रांसफर किया जाता है। वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम जर्नल कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आज बात करेंगे हम लोग लेजर्स के ऊपर। ओके, रियली बहुत अमेजिंग है, बहुत मजेदार है, इसको हम लोग सीखने वाले हैं आज। बट आपको बतला दूं मैं कि अगर फॉर्मेट की बात करें अकाउंट की, तो आपको पता है ये अकाउंट एक तरीके का ही लेजर ही होता है। ओके, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ये डेबिट साइड होता है, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। क्या बोलते हैं इसको? क्रेडिट साइड। ये पहला कॉलम डेट का, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद रुपीज, फिर दोबारा डेट, पर्टिकुलर एंड रुपीज। ये दो साइडेड होता है, लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। क्लियर है जी? ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे पहले यहां पे कैश अकाउंट है, आपको बता दूं ये ओपनिंग बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है ये? ओपनिंग बैलेंस। कितना? 50,000। याद करो जब हमने आपको चैप्टर नंबर 6 सिखाया था, वहां पे बताया था कि कैश कौन सा बैलेंस होता है, कैश का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में ये एसेट है, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? वैसे भी यहां पे लिखा हुआ है डेबिट, तो हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग बैलेंस होता है, कैश अकाउंट ओपन किया आपने, कौन सा अकाउंट ओपन किया आपने? कैश। 2017 की डेट बता रहा है ये, तो 2017 में अप्रैल 1 तारीख को डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस है, तो बैलेंस बीडी से दिखाते हैं, ब्रॉट डाउन, पीछे से लाया गया, कितना है जी? 50,000। ध्यान से देख लेना, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा, स्किप कर दिया तो खत्म। रियली लेजर पोस्टिंग बहुत आसान है, बस सीख लो। इसके बाद है स्टॉक अकाउंट 30,000 रुपए, क्या है ये? डेबिट। तो अगला अकाउंट ओपन करेंगे हम लोग जिसका नाम रखेंगे स्टॉक अकाउंट। चलो अब अपने रजिस्टर में देख के बताओ जल्दी से, 2017 डेबिट में अप्रैल 1 को कितना है बैलेंस बताओ? हां जी, बैलेंस बीडी 20,000 या 30,000? 30,000 लिख दिया जी। आगे चलो, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, इसमें डेटर्स 50 और मशीनरी 60, तो डेटर्स अकाउंट ओपन करेंगे हम लोग अगला, डेटर्स अकाउंट 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस पीडी कितना? 50,000। अगला था मशीनरी, तो क्या करेंगे हम लोग, मशीनरी अकाउंट 2017 अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी कितना? 60,000। ओके जी, ये हो गया। मतलब हमने वन बाय वन एंट्री को पिक करना है, ये और ये हो गया। अगला है राजेश 30 और कैपिटल 160, तो हम लोग अगला अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, राजेश अकाउंट। एक बच्चा कह रहा है क्रेडिटर्स अकाउंट, नहीं क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं लिखोगे। ओके, क्योंकि राजेश ब्रैकेट में लिख सकते हो, एक क्रेडिटर है लेकिन ऐसे नहीं। 2017 अच्छा, ये डेबिट में है क्रेडिट में? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में, मतलब राजेश अकाउंट को क्रेडिट करोगे अप्रैल 1 को, इधर लिखते हैं 22 से,
डेबिट साइड 2 से लिखते हैं, क्रेडिट साइड 22 से लिखते हैं, लेकिन ओपनिंग बैलेंस को हमेशा बैलेंस बीडी से दिखाते हैं। तो बैलेंस कितना अमाउंट जी? 30,000। बीडी कौन बोल रहा है? बीडी भाई। अच्छा चलो, अगला है कैपिटल अकाउंट 2017 अप्रैल 1। आपको ध्यान रहेगा डेबिट में लिखना है क्रेडिट में। कैसे पता चलेगा? वो एंट्री देख के ही पता चल जाएगा आपको। तो लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी कितना जी? 1,60,000। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्या कहते हो? चलो जी, पहला पड़ाव क्लियर हो गया, यहां से लेकर यहां तक की सारी एंट्री। चलो अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना। कैश डेबिट हो रहा है 7,000 से। हेलो, तो कैश में डेबिट में लिख दो 7,000 रुपए। कैश में डेबिट में लिख दोगे कितना? 7,000 रुपए। ध्यान से देखना आप जो बताने जा रहा हूं, डेबिट में लिख देंगे 7,000, तो यहां लिख दिया 7,000। लेकिन दुविधा है, कैश में डेबिट में 7,000 लिखा, डेट कौन सी है इसमें? यहां पे डेट है 4 तारीख, लेकिन जो अकाउंट होता है उस अकाउंट में उसका नाम कभी नहीं आएगा। मतलब जो अकाउंट आप बनाओगे उसके अंदर, खुद के अंदर उसका नाम नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो उसके अपोजिट में कौन पड़ा हुआ है? सेल्स। तो जो अपोजिट में उसका नाम लिखोगे, तो लिखोगे सेल्स अकाउंट। क्या लिखोगे जी? सेल्स अकाउंट। मतलब कि ये जो आप भी आपने इधर लिखा, इधर लिखेंगे अप्रैल 4 को सेल्स अकाउंट से। समझ में आया? कैश में कैश का नाम नहीं लिखेंगे। तो चलो, ये कैश में तो इसकी एंट्री हो गई, लेकिन क्या सेल्स में एंट्री हुई? नहीं। क्या सेल्स अकाउंट आपने पहले से बनाया हुआ है? नहीं। तो आप बना लो। तो सेल्स अकाउंट हम बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम रखेंगे सेल्स अकाउंट। ये लो जी, सेल्स अकाउंट 2017 अप्रैल 4 को बाय। एक बच्चा कह रहा है बैलेंस, क्यों घर का राज चल रहा है, बैलेंस लिख दोगे? सब में बैलेंस लिख दोगे? क्या कमाल है यार, गलती क्या होती है? अच्छा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिखा, उसमें था ना क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 7,000। तो क्रेडिट में लिख दिया, मतलब सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में 7,000 लिख दिया, लेकिन अपोजिट में कौन है? कैश। तो बाय कैश अकाउंट डेबिट साइड 2 से लिखते हैं, क्रेडिट साइड 22 से लिखते हैं। आजकल थोड़ा सा मॉडर्न सिस्टम आ गया, तो 2x वाला खत्म हो गया, कई किताब 2x फॉलो ही नहीं करते, बट आपको फॉलो करना है। ओके, चलिए ये एंट्री अलविदा हो गई। इसी तरीके से 1x1 एंट्री करनी है। एक बात और बता दूं, आपने अगर अपना तरीका इसमें आजमाया, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैंने इतने सालों में बहुत सारे बच्चे देखे। कुछ बच्चे होते हैं जो तिगड़मबाज होते हैं, समझते हो, वो अपना दिमाग और लगाते हैं। लगा लो बेटा, मैं जानता हूं, बाद में घूम फिर के मेरे तरीके पे आओगे। अगर आपने कोई और तरीका फॉलो किया, चाहे आपने कहीं भी सीखा हो, ओके, गलती के 99% चांस होंगे, पक्का कोई ना कोई एंट्री भूल जाओगे। और अभी आगे चल के इसका डैडी बैठा हुआ है, जहां से पता चलेगा ये सब कुछ ठीक किया या नहीं, ट्रायल बैलेंस सीखेंगे हम लोग, बस वहां से पता चल जाएगा आपने गलत। और सोचो, अभी तो ये छोटा क्वेश्चन है, अगर जिसमें 30-30, 40-40, 50-50 एंट्री आ जाए, उसमें गलती ढूंढो, फिर पता चलेगा। पूरा क्वेश्चन जितना देर करने में लगा है ना, उतना ही देर आपको ढूंढने में लगेगा, है ना, फिर बैठे रहना। तो इसलिए जो तरीका बता रहा हूं उसको फॉलो करो, 99% चांस है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट होगा। 1% चांस है वो तब जब जल्दीबाजी मचाओगे या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, अदरवाइज कोई गलती नहीं हो सकती इसमें, ठीक है। चलो, 1x1। अब मेरे ख्याल से अब दिक्कत नहीं है, अब मुझे बताते जाओ, मैं यहां से देख के नहीं बताऊंगा, मुझे एंट्री बोल के बताओ, मैं यहां पे पुट अप करना चालू करता हूं। सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्या सेल्स अकाउंट रिटर्न अकाउंट बना हुआ है? नहीं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम 1,000 से। चलो जरा जल्दी जल्दी देखते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट, एक अगला अकाउंट बनेगा सेल्स
रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहे हैं 2017 अप्रैल 6 कितना अमाउंट है अमाउंट बताओ 1000। अपोजिट में कौन था राम, तो राम अकाउंट। क्या राम अकाउंट पहले से बनाया हुआ है? नहीं, तो आप यहां पे राम अकाउंट एक ओपन करोगे 2017 अप्रैल 6 को बाय अपोजिट में क्या है सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना 1000। अगली एंट्री जल्दी से बोलो, अगली एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री है परचेज टू राजेश अकाउंट। क्या परचेज का अकाउंट पहले से बनाया हुआ है आपने? एक बच्चा कह रहा है यस, मुझे तो नहीं याद आ रहा परचेज बनाया हुआ आपने। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, कितने से जी? 9000 से। कितने तारीख को? 10 को। तू नाम में गलती मत करना जी, राजेश अकाउंट कितना? परचेज अकाउंट को डेबिट करना है राजेश से। और क्या राजेश अकाउंट आपने पहले से बनाया हुआ है? बनाया है राजेश अकाउंट पहले से बनाया हुआ है, तो क्रेडिट हो रही है अप्रैल कितनी तारीख को? 10 तारीख को बाई परचेज अकाउंट से। यार एक्सपर्ट हो गए हो तुम लोग तो, कमाल हो गया। कितना? 9000। अभी दो एंट्री के बाद इतना एक्सपर्टाइज। चलो आगे बताओ, अगली एंट्री क्या है? अप्रैल 15 की एंट्री है परचेज टू राकेश 13500। परचेज कर लिया हमने, तो परचेज अकाउंट ओपन किया है परचेज टू राकेश। परचेज डेबिट हो रहा है किससे? राकेश से, टू राकेश अकाउंट। कितना डेट, कितना अमाउंट? 13500। क्या राकेश अकाउंट बना हुआ है? ढूंढ लो भाई राकेश अकाउंट ढूंढो। बच्चा कह रहा बना हुआ है। यार राजेश तो दिख रहा मुझे, ये इसका भाई राकेश नहीं दिख रहा मुझे। राकेश अकाउंट 2017 अप्रैल 15 को बाय परचेज अकाउंट कितना? जल्दी बोलो भाई 13500। अगली एंट्री बोलो जल्दी से, नेक्स्ट एंट्री क्या है? परचेज टू राकेश हो गया, राकेश टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश। राकेश डेबिट हो रहा है 5400 से, लेकिन राकेश टोटल अमाउंट 5400 से क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है राकेश, लेकिन इसमें एक डिस्काउंट के नाम से 270 और कैश के नाम से 5130, तो राकेश के अकाउंट में जाओ। दोबारा एंट्री को ढंग से देख लो जी, डिस्काउंट के नाम से 270, कैश के नाम से 5130, राकेश के अकाउंट में। राकेश यही है ना अप्रैल कितना? 15 को टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना जी? 270। और इसी डेट को कैश अकाउंट से कितना? 5130। अब देखो मतलब जितने भी नाम है ना उन सब जगह एंट्री होनी है इसकी। अब अगली एंट्री क्या होनी है? डिस्काउंट रिसीव्ड एक अकाउंट बनेगा जो क्रेडिट हो रहा है 270 से, तो एक अलग से अकाउंट बनाओगे जिसका नाम लिखोगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट करना है या डेबिट करना है? क्रेडिट करना है। कितने? अप्रैल 15 को, लेकिन अपोजिट में कौन है इसमें? राकेश 270। क्या कहते हो जी? इसके बाद अगला है नेक्स्ट है आपके पास कि कैश, उसमें कैश भी क्रेडिट हो रहा है, याद है? एंट्री देखो यार, रजिस्टर ओपन करो और एंट्री देखो, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए, कोई नई बात नहीं सिखा रहा मैं आपको। बाई, अच्छा नाम किसका लिखोगे उसके अपोजिट में कौन पड़ा हुआ है? कैश के सामने पहले अमाउंट बताओ कितना है। कैश के सामने अमाउंट कितना है? 5130 रुपए, लेकिन अपोजिट में कौन है?
राकेश, दोबारा देख लो, हुआ क्या है यहां पे कि यहां पे राकेश डेबिट हो रहा है 5400 से, लेकिन पूरे राकेश को अकेले नाम से नहीं होने वाला, यहां पे दो नाम है इसके अपोजिट में, एक डिस्काउंट के नाम से 270 और कैश के नाम से 5130, तो हमने राकेश अकाउंट को डेबिट कर दिया 270 से और 5130 से, नाम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड और कैश अकाउंट। इसके बाद एक अगली एंट्री होगी इसकी, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है 270 से लेकिन अपोजिट में नाम है राकेश, तो राकेश का नाम लिखेंगे। इसी तरीके से कैश क्रेडिट हो रहा है 5130 से लेकिन अपोजिट में कौन है, राकेश, तो राकेश लिखेंगे। बोलो जी, अभी एक बच्चे की क्वेरी है, बोलो। एक बच्चा कह रहा है कि इसके ख्याल से मैंने एंट्री गलत की है, तो चलो जरा एक बार देख लेते हैं कि एंट्री सच में गलत कर दी क्या। ये है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है राकेश और ये राकेश में डेबिट हो रहा है। क्या है, कितना, अच्छा एक मिनट, यहां पे, ओ माय गॉड, इधर देखो डिस्क, मतलब एक कंफ्यूजन इतनी बड़ी क्या है। एक बच्चा उसका साथ दे रहा है, कह रहा है हां मेरे को भी अब कंफ्यूजन पैदा हो गई। अरे एक बात बताओ, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट मतलब डिस्काउंट के नाम से 270 और कैश के नाम से 5130, टोटल 5400 से राकेश का अकाउंट डेबिट होगा, तो क्या टोटल राकेश का जो अकाउंट है वो हमने टोटल मिला के राकेश का अकाउंट 5000 जो भी बनता है टोटल कितना, 5400 ना, तो क्या टोटल मिला के 5400 नहीं आता, हाँ या ना, इतना बताओ, आ रहा है डिस्काउंट के नाम से 270 और कैश के नाम से 5130, फिर डिस्काउंट में 270 ही लिखेंगे जितना डिस्काउंट होगा, समझे, और कैश में जितना कैश मिला है या पे किया है, अभी तो इसमें हमने पे किया है तो जो पे करे हुए वही तो लिखोगे, तो यहां पे किया 5130, तो प्रॉब्लम क्या है भाई, क्या प्रॉब्लम है, कॉन्फ्यूजन, कॉन्फ्यूज हो गया। ओके चलो अगला क्या है, ये खत्म, चलिए नेक्स्ट एंट्री हमारे पास राजेश, नाम में गड़बड़ मत करना, राकेश और राजेश, अभी राजेश डेबिट है लेकिन अपोजिट में दो नाम है, डिस्काउंट रिसीव्ड और कैश अकाउंट। ये राजेश वो बंदा है जो क्रेडिटर में दिखा रखा था पहले ओपनिंग बैलेंस में, देखो है, तो राजेश के अकाउंट को डेबिट कर दो 1400 से और 38600 से, राजेश के अकाउंट को, राजेश ये रहा, अप्रैल 20 तारीख को टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1400 और इसके अकाउंट को टू कैश अकाउंट से 38600, चेक करना भाई यही है, ठीक है। अब देखो एक चीज और बता दूं, यहां पे ये डेबिट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखो, नहीं तो वहां से देख लो, डिस्काउंट रिसीव्ड यहां पे बाय राजेश अकाउंट कितना भाई, 14 क्या 1400 है, 400 है, 400 है, मैंने एंट्री शायद गलत कर दी है, ठीक है 400 होगा, ठीक है वेट करो, अभी गड़बड़ क्या हो रही है हमसे, मैं एक बार देख लेता हूं। ओके 38600 पे किया है टोटल, ओके हुआ क्या है इसमें, मतलब इसमें हुआ क्या है, ऊपर देखो ओपनिंग एंट्री में चेक करो जरा, ओपनिंग में टोटल 30000 पे करना था है ना, और 9000 का बाद में सामान खरीदा, चेक करो तो टोटल 39000, मेरे से गलती हो गई थी, ये अमाउंट में गलती हो गई थी, राजेश डेबिट हो रहा है 39000 से, देखो ये जनरल एंट्री है इसमें पोस्टिंग की बात है तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां पे मेरे से गलती हो गई थी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, क्योंकि यहां पे शायद राजेश से हमने सामान खरीदा था, कहां है परचेज टू राजेश, ये रहा
ये रहा 9000 का, ठीक है। इसलिए 30000 का यहीं पे दिखा रहा है ना कि राजेश को देने हैं, 9000 का और सामान खरीदा 39000 हो गया, उसमें से पेमेंट की बता दी। चलो जरा अब इसको ठीक करना पड़ेगा, वो गलती हो गई हमसे एंट्री में। 39000 राजेश के अकाउंट को डेबिट करना है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव 400 और कैश 38600। ये 400 और ये 38600, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव में लिखेंगे 400 रुपए, तो डिस्काउंट रिसीव में 400 और कैश में, कैश में कितना लिखोगे जी? बाय डेट बताओ, अप्रैल 20 को बाय कैश लिखोगे क्या? राजेश अकाउंट से कितना? 38000। उस कैश के सामने क्रेडिट कितना दिख रहा है? 38600, तो वही लिखोगे, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे चलो जी, ड्रॉइंग डेबिट हो रहा है 500 से, ड्रॉइंग टू कैश है तो ड्रॉइंग डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, तो ड्रॉइंग अकाउंट बनाओ, ड्रॉइंग अकाउंट 2017 अप्रैल 25 को टू कैश अकाउंट से। यार देखो, एक बच्चा ना यहाँ पे ज्यादा हड़बड़ी में बताने की कोशिश कर रहा है, वो इतना ज्यादा एडवांस होने की कोशिश कर रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो और सोच समझ के बोलो, जो मुंह में आ रहा है वो मत बोलो। वो क्रेडिट करने में बाई लगा के बोल रहे हैं, तो इससे आप भी कंफ्यूज होगा और दूसरा भी कंफ्यूज होगा, समझे? इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो और फिर समझ के बोलो कि बोलना क्या है। कैश मतलब ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करना है किससे? कैश से, ओके जी, ठीक है। और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा तो यहां पे लिखोगे अप्रैल 25 को बाय, कैश नहीं लिखोगे क्या? क्यों? कैश में कैश का नाम नहीं आएगा। इसके बाद कैश टू कमीशन मतलब कैश डेबिट हो रहा है अप्रैल 30 को, तो टू कमीशन अकाउंट कितना जी? और कमीशन अकाउंट एक बनाना पड़ेगा, तो हम यहां पे एक कमीशन अकाउंट बना लेते हैं। कमीशन अकाउंट 2017 क्रेडिट होगा ये, है ना? कितनी अप्रैल को? टू या बाई बाय 2000, डन। अभी फिर बता रहा हूं, अभी और अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त, अभी पिक्चर भी बाकी है, ओके। तो अभी तो ये काम हो गया, अभी जितनी भी पोस्टिंग है वो सारी पोस्टिंग की। अगर आपकी पोस्टिंग ठीक है तो मजा, नहीं तो फिर कह रहा हूं सजा, क्योंकि वो ऐसी सजा हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। चलो अभी क्या करेंगे हम, बैलेंस करेंगे। सर ये बैलेंस क्या होता है, दिखा रहा हूं, इस साइड का टोटल करो, ध्यान से देखना, 50000 प्लस 7000 प्लस 2000, टोटल इस साइड का आ रहा है 59000। मैं एक में लिख देता हूं, उसके बाद नहीं लिखूंगा, ओके। ये लिखना अलाउ नहीं होता है ऐसे, बट मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, समझे जी? क्योंकि मुझे जो बताना है वो यहां से मैं डिस्कस कर सकूं आपको। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इधर का टोटल आ रहा है 59000 और इधर का टोटल कोई बताएगा क्या? 5130 प्लस 38600 प्लस 500, टोटल आ रहा है 44230। अभी मुझे कोई बताएगा कि किस साइड का ज्यादा है, दोबारा बोलो, किस साइड ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट? जो साइड बड़ा है वो साइड दोनों तरफ लिख दो टोटल में। तो टोटल में लिख देंगे हम यहां पे 59000 और 59000, इस मतलब दोनों का डिफरेंस आप 59000 में से जो साइड छोटा है उसका टोटल माइनस कर दो, तो 44230 माइनस कर दो, तो ये आएगा हमारे पास 59000 माइनस 44230, तो ये आएगा 14770, ये 14770। हेलो, मतलब अब इस साइड का टोटल करोगे तो वही सेम 59000 है, जो डिफरेंस होता है वो लिख देते हैं।
अब ये टू साइड है या बाई साइड है? बाई साइड है। क्लोजिंग बैलेंस को हमेशा बैलेंस सीडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बैलेंस सीडी। एक बात बता दूं, जब टोटल करते हैं तो यहां एक डबल लाइन कंपलसरी है, अगर आपने डबल लाइन नहीं डाला तो काट दिया जाएगा, और टीचर को ज्यादा गुस्सा है तो पूरा ही काट देगा वो। हाँ, उसकी मर्जी, आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया, समझ में आया? तो इसलिए ये डबल लाइन डालना कंपलसरी है। ये सर्कल तो मैं अपनी तरफ से लगाता हूं, आपको नहीं लगाना, बैलेंस सीडी लिखोगे बस, समझ में आया? वेट, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जिस साइड भी है उसके अपोजिट साइड उसको क्रॉस कर देंगे टोटल के बाद। हेलो, मतलब अभी उस साइड है तो इसको ट्रांसफर इस साइड कर देंगे, और बाई था तो अभी ये टू साइड आ जाएगा। किस साइड आ जाएगा जी? टू साइड। और क्या लिखोगे टू साइड में? टू बैलेंस सीडी लिखोगे। अब तो ओपनिंग में पहुंच गया ये 14,770, 14,770। अभी कोई दिक्कत? हेलो, चलो एक बात बतानी है। ओके, इधर सामने देखो, एक मैंने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाया। सर ये क्या नई चीज सिखा रहे हो? हाँ देखो, ये जो अभी कैश में अभी आपने जिगजैग किया ना क्लोजिंग को, जो सीडी को बीडी में कन्वर्ट किया, तो कौन से साइड आया था कोई बताएगा मुझे? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट में। अच्छा, तो हम ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, चलो लगे हाथी, ये अब ज्यादा काम नहीं बचा, कुछ सेकंड का काम है, मतलब कुछ मिनट का काम है, सेकंड कहना तो ठीक नहीं है। ये जो बैलेंस सीडी है ना, वो हमेशा महीने के लास्ट में लिखोगे। महीने का लास्ट अप्रैल कब होता है? अप्रैल 30। ओके, और इसकी शिफ्टिंग अगले महीने के फर्स्ट डेट को करोगे, तो मई 1। समझ में आया? मर्जी है आपकी, अगर आप इसको अगले दिन में दिखाना चाहो तो अगले दिन में, मिली तो उस दिन में भी दिखा सकते हो, बट बेहतर रहेगा आप अगले दिन में शिफ्ट करो इसको। चले जी, तो मई 1 को डेबिट साइड है। ट्रायल बैलेंस बनाने का फॉर्मेट मैंने अभी बताया आपको, ये सीरियल नंबर होता है, एक नंबर कैश अकाउंट, ये LF का कॉलम होता है जिसको बोलते हैं लेजर फोलियो, बाद में डिस्कस करेंगे। डेबिट में बैलेंस आ रहा था, बैलेंस बीडी या क्रेडिट में? डेबिट में। तो 14,770। एक राज की बात और बताऊं, यहां पे जो अकाउंट होता है, जिसका जो बैलेंस होता है, वो उसी साइड लिखते हैं। जैसे कैश एसेट है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिटर लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, याद है सिखाया था चैप्टर नंबर 6 में, तो क्रेडिट में लिखेंगे। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो अपने हिसाब से लिखेंगे। क्लियर है? चलो वन बाय वन। अब जल्दी जल्दी जरा क्लोज करते हैं। एक बच्चा कह रहा था बीडीसीडी वाला मामला अभी बैलेंसिंग करना नहीं समझ में आया, अभी आ जाएगा, बस दो चार को और देख लो। चलिए जी, तो अभी क्या करेंगे, इसमें तो और कोई एंट्री ही नहीं है जी, तो ये साइड बड़ी है, जो साइड बड़ी है उसे दोनों तरफ लिख दो। लिख दिया, फिर अप्रैल 30 को बाई बैलेंस सीडी कितना जी? 30,000। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? पक्का? इसको रेड सही दिखा देता हूं, चलो 30,000। तो इसके बाद इधर ये मई 1 को टू बैलेंस बीडी कितना? 30,000। एक भी अकाउंट आपका स्किप नहीं होना चाहिए। चलो जरा वन बाय वन सबको पहले मैं बैलेंस ही कर दूं, फिर सिखाऊंगा मैं उसमें शिफ्टिंग दोबारा से। ओके, वन टाइम कर लेंगे, भूलने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगला क्या है? ये 50,000 अप्रैल 30 को बाय बैलेंस, बच्चा कह रहे बीडी लिख दो जी, 50,000। यहां पे कितना लिखूं मैं? 50,000। इसको फिर क्या करोगे आप? इधर शिफ्ट करोगे मई 1 को टू बैलेंस बीडी। कोई डाउट जी? आगे ये 60,000, यहां पे 60,000 अप्रैल 30 को बाय
बैलेंस सी डी 60,000 मई 1 को, बैलेंस बी डी 60,000। चले आगे। इधर हाँ, मतलब इधर का टोटल बराबर आ रहा है 39,000, कोई बैलेंस नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल 1,60,000, 1,60,000 अप्रैल 30 को, बैलेंस सीडी 1,60,000। तो मई 1 को 2, बैलेंस हाँ पीडी लिखेंगे, वो गलत अभी लिख देता हूं भाई, गलती हो गई। ये लो जी बाय। चले आगे। अगला है सेल्स 7,000, 7,000 अप्रैल 30 को, बैलेंस क्या लिखोगे सीडी, कितना जी 7,000 मई 1 को, बाय बैलेंस बीडी 7,000। कोई दिक्कत जी यहां पे? आइए अगला है सेल्स रिटर्न 1,000 अप्रैल 30 बाय बैलेंस सीडी 1,000 मई 1 को, बैलेंस बीडी 1,000। इसके बाद अगला है हमारे पास, यहां पे भी राम का बैलेंस 1,000 है, 1,000 अप्रैल 30 को 2, बैलेंस बीडी लिखोगे सीडी, और मई 1 को बाय बैलेंस बीडी 1,000। चले आगे। इधर परचेस में कितना आएगा कोई बताएगा? टोटल 13,500 प्लस 9,000 22,500 अप्रैल 30 को बाय बैलेंस सीडी 22,500। फिर मई को 1,2 बैलेंस बीडी कितना 22,500। क्या कहते हो जी? Yes, sir. मजा आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir, नहीं, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है जी? Easy. वेरी गुड। 13,500 अप्रैल 30 को बैलेंस सीडी 13,500 में से 270 और माइनस कर दो 5,130, 8,100 का बैलेंस आ रहा है। मई 1 को बाय बैलेंस बीडी 8,100। अब काम बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि ना देखो ना, एक ही चीज को अब लिखना है हमें 670 अप्रैल 30 टू बैलेंस सीडी 670 और मई 1 को बाय बैलेंस बीडी 670। कोई दिक्कत जी? नो। आओ जरा आगे है, अप्रैल 30 बाय बैलेंस सीडी 500।
और यहां पे मैं 1 को 2 बैलेंस बीडी 500। इसके बाद नेक्स्ट है कमीशन का 2000 अप्रैल 30 टू बैलेंस सीडी 2000 मई 1 का बैलेंस बीडी 2000 खत्म हो गया। चलो वन बाय वन देखते हैं। कैश का डेबिट 14,770 एक बार पेपर पे लिख लो या चलो मैं पेपर पे लिखना है। स्टॉक कितना है 30,000 डेबिट में, तो दो नंबर पे स्टॉक 30,000 डेबिट में लिख देंगे। दो नंबर पे स्टॉक अकाउंट डेबिट में 30,000। अगला कौन सा अकाउंट है जी स्टॉक के बाद? स्टॉक हो गया, डेटर्स 50 डेबिट और मशीनरी 60 डेबिट। डेटर्स 50 और मशीनरी अकाउंट 60। साइड गलत नहीं होनी चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं साइड गलत लिख देते हैं तो फिर तो दुख शुरू होने तय हैं। चलो ये मशीनरी हो गया, राजेश बराबर, राजेश के बाद कैपिटल, क्रेडिट 160, कैपिटल 100,000। मैंने बोला था ना जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा, तो राजेश चला गया, मतलब वो गलत फहमी मत पालना, मैं यहाँ पे दुनिया में यहां से भगा नहीं रहा हूं उसको, मैं मतलब यहाँ पे कुछ और समझो, अकाउंट क्लोज हो गया, मतलब मेरे कहने का मतलब भावनाओं को समझो मेरे। ये कैपिटल क्लियर है जी? कैपिटल के बाद सेल्स क्रेडिट है 7,000 और सेल्स रिटर्न डेबिट है 1,000। सेल्स क्रेडिट 7,000, क्रेडिट 7,000 और 1,000 सेल्स रिटर्न 6। क्या था यार इस लड़के ने क्वेश्चन पूछ के ना मेरे को बुलाई दिया। क्या था? एक सेल्स था और एक सेल्स रिटर्न अकाउंट। एक बच्चा कह रहा है राजेश को क्यों भगा दिया? अरे भाई मेरे पास था क्या जो मैंने भगा दिया उसको? मैंने नहीं भगाया, उसका बैलेंस ही टोटल हो गया तो मैं क्या करूं उसमें? फिर ना तो लेना है ना देना है, बात खत्म हो गई, तो मैं क्या करूं उसमें? चलो आगे, सेल्स रिटर्न हो गया, राम क्रेडिट 1,000 और परचेज डेबिट 22,500। राम क्रेडिट 1,000, परचेज 22,500, राम अकाउंट और परचेज अकाउंट। क्या कहते हो जी? एनी डाउट एनी कंफ्यूजन तो बताया जाए, पक्का? यस सर। ठीक है चलो, कोई डाउट नहीं है ऐसा बच्चे कह रहे हैं तो ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाए। कहां पे पहुंच गए हम लोग? परचेज पे। राकेश 8,100 से क्रेडिट है और डिस्काउंट रिसीव्ट 670 से, 8,100 और 670। ये क्या है? और अगला क्या है जी? ये लो, राम परचेज, राकेश डिस्काउंट रिसीव्ड। चलो डिस्काउंट पास में ही आ गए अब तो हम, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसके बाद आगे भी है क्या कुछ? हाँ ओके, आगे है तो चलो जरा आगे वाला देख लेते हैं, वो पास में ही है। बल्कि कहां पे पहुंचे हम लोग? डिस्काउंट रिसीव्ड 11वें नंबर अकाउंट पे, डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके
इसके बाद ड्रॉइंग 500 डेबिट है और कमीशन क्रेडिट 2000। ड्रॉइंग 500 क्या हो रहा है? डेबिट। पक्का? कितना? 500। 12 नंबर ड्रॉइंग और कमीशन, कमीशन अकाउंट कितना जी? 2000 से क्रेडिट है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी तो यहीं पे विराम हो गई, मतलब खत्म। सर बस इतना सा था, इतना सारा टाइम लगाना पड़ेगा? नहीं, इतना सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन है इंटरेस्टिंग। अब क्या करेंगे? डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल करो। 14,770 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 1,000 22,500 और 500, ये आएगा 1,78,770। 2,000 670 8,100 1,000 9,000 और 1,60,000 ये आ रहा है 1,00,000। अच्छा एक, अच्छा मैंने दोबारा कर लेते हैं। 2,000 फिर 670 8,100 1,000 7,000 और 1,60,000 1,78,770। बोले तो ये और ये दोनों बराबर आने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आया तो दुख शुरू आपके। मैं पहले कहा था कि दुख शुरू हो जाएंगे अगर ये बराबर नहीं आए तो। तो सर क्वेश्चन में हमें यहां तक करना है। हाँ, क्वेश्चन चाहे बोले चाहे ना बोले, आपको यहां तक करना है। क्लियर है जी? हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि लेंथी प्रोसेस है। अभी करीब करीब 1 घंटा 11 मिनट की क्लास हम ले चुके हैं। 5-7 मिनट मुझे और दो, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, फिर हम बात करेंगे। एक तो ऐसा यंत्र कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर ऐसा यंत्र, या एक ये भी यंत्र होता है घर में, अगर ऐसे यंत्र आपने इस्तेमाल किए तो आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी अपने आप मार ली, तो आपके नंबर नहीं आने वाले। पक्का? कुछ भी कर लो, नंबर नहीं आएगा 100%। यस, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। दो बातें, या तो आसान रास्ता चूज कर लो, या जो तरीका उस तरीके को फॉलो करो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझे? पहली बात। दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूं कि लेंथी है लेकिन है बहुत मजेदार। हाँ, वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8-10 क्वेश्चन है, उसको पूरा करना है आपको। जो रजिस्टर फुल पेज का होगा ना, उसमें मैंने तो अभी 1 पेज पे एक ही अकाउंट बनाया। आप 1 पेज पे 3 या 4 अकाउंट बनाओगे, 3 अकाउंट बना लो, पता चल जाएगा। और कैश अकाउंट को 1 पेज पे रहने दो, क्योंकि कैश में ज्यादा एंट्रीज होती है, सबसे ज्यादा एंट्री कैश में ही होती है, बाकी जो एंट्री है वो नॉर्मल हो सकती है। ओके, क्लियर है? अभी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है मुझसे? सबको समझ में आ गया? अभी एक बच्चा कह रहा था अभी बीच में कि क्लास स्टार्ट होने से पहले, सर लेजर है क्या, कैसे 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 पोस्टिंग करते हैं, मुश्किल होगा बड़ा। अभी बताओ, मुश्किल है क्या? कितना आसान है, है ना? आपको जो ट्रिक बताई वो ट्रिक फॉलो करना है, रियली बहुत मजेदार है। तो चैप्टर तो खत्म हो गया, सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, सब कुछ बता दिया मैंने इस क्वेश्चन में आपको। ओपनिंग एंट्रीज भी बता दी, उसकी पोस्टिंग बता दी, बैलेंसिंग करना बता दिया, लेजर बता दिया, और इवन ट्रायल बैलेंस भी बता दिया मैंने, है ना? तो जितने भी क्वेश्चन है उस सबका लास्ट स्टेज तक करोगे, ट्रायल बैलेंस तक। और अगर आपका ट्रायल बैलेंस गड़बड़ है तो इसका मतलब आपने गलती की है। तो एक काम करूंगा, मैं आपको हेल्प तो नहीं करने वाला, बट एक क्लास और लूंगा, उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है ना वो सबका ट्रायल बैलेंस बता दूंगा मैं आपको। ओके, ताकि आपको ये पता चल जाए। हाँ, गलती नहीं बताऊंगा, एंट्री अगर गलत हुई तो प्रॉब्लम तय है, बट उसके बाद तो आप कर सकते हो। कर लोगे? चलिए, तो अभी क्या करना है? अभी हमें होम फन। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर क्या करना है, तो होम फन करना है। चलो,
होम फन में लिख लो कितने क्वेश्चन है हमारे पास, ये बता दो बस जल्दी से। हाँ, ओ आज वाली क्लास में रियली बहुत मजेदार टॉपिक था, तो उसके बारे में चर्चा करनी है। तो एक से लेकर कहां तक क्वेश्चन है जी, 9 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के सारे क्वेश्चंस करने हैं, समझ में आया। बट 1 से 9 तक के क्वेश्चन करने से पहले, मतलब ये कि जब 1 से 9 तक का क्वेश्चन आप पहले करोगे, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको कंप्लीट करना है। आप सभी के पास बुक है ना, तो सभी के पास जो बुक है उस बुक में एक एग्जाम्पल है, मतलब 2017 के एडिशन में एक एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन 6। ये सबसे पहले करना है आपको। मैं आपको बता देता हूं, ये करीब करीब इलस्ट्रेशन 6 है, 2015 के एडिशन में क्या है भाई, कोई बताएगा मुझे? वो शायद आगे पीछे होगा, देख लेना। मैं 2017 के एडिशन की बात कर रहा हूं, 2017 एडिशन के बुक की। और हाँ, कोई 2018-2019 में पढ़ रहा है बच्चा, तो उसको बता दूं 2017 के अकॉर्डिंग आप मैच कर लो, नहीं तो हमसे कॉल करके या ईमेल करके पूछ लो कि सर ये इलस्ट्रेशन नंबर बता दो, तो आपकी बुक में बता देंगे कौन सा इलस्ट्रेशन है। क्लियर है जी? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सच में मजा आ गया होगा आपको, है ना? Yes, चलो जी, तो मजा आ गया, और कैसा लगा? चलिए, उम्मीद करता हूँ आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।